अध्यक्ष चलाता है लोकसभा को, विधानसभा में चलाता है, विधानसभा का अध्यक्ष हाउस चलाता है, ना कि मेंबर आके बताएंगे, रूलिंग देंगे। रूलिंग है पीठासीन अधिकारी का प्रोरोगेटिव राइट है, अपर हाउस राज्यसभा को गाया गया। मेरे मित्र राज्यसभा में हैं, ये मना करें कि अपर हाउस में लोकसभा में जनता ने चुनकर भेजा हूं, और ये जनता ने चुनकर नहीं भेजे, ये प्रतिनिधियों ने चुनकर भेजे हैं, लेकिन अपर हाउस ये है लोकसभा में, तो काउंसिलिंग में अलग नियम कैसे बन जाएगा? ये वो कह रहे हैं कि परंपरा है, परंपरा है ना, मैंने कहा ना परंपरा, स्पीकर को राइट है, जो ये परंपरा है, पीठासीन अधिकारी का राइट है, अधिकार है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आज आप दोनों ही पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरह की तस्वीरें देश ने देखी आज नगर निगम के महापौर चुनाव से पहले, पार्षदों का इस तरह से हंगामा करना, मंच पर चढ़ जाना, इसको कहाँ तक सही ठहराते हैं आप? हमारे पार्षद का कमीज फट दिया गया, उसका अंगूठा तोड़ दिया गया, खून उसका बहता रहा, जानलेवा हमला किया गया, क्या ये चीजें ठीक है सर? एक बात कही है भी इन्होंने, कौन चढ़ा टेबल पे, माइक किसने फेंके? दुनिया का रूल है कि रूलिंग पार्टी की ड्यूटी है हाउस चलाना, दुनिया का रूल है। यहाँ रूलिंग पार्टी डिस्टर्ब कर रही है, रूलिंग पार्टी ने माइक तोड़ दिया, रूलिंग कह रहा हूँ। आप लोगों को नहीं लगता ये तस्वीरें बहुत शर्मनाक? हमारा मेयर चुना जाना था, हमारा डिप्टी मेयर चुना जाना था, हमारे स्टैंडिंग कमेटी की शपथ होती तब तो चुना जाता ना साहब। मैं वही कह रहा हूँ, पार्षद भी यही मांग कर रहे थे, जिन्होंने मेहनत करी है, जनता ने जिनको चुना है, पहले उनको आप शपथ कराइए कि ये क्या बैकडोर से लाके बैठा दिए गए और उनको शपथ कराया जाए। सवाल एक सवाल ये है कि जो एल्डरमैन अल्टरमैन जब से कॉर्पोरेशन बनी है तब से लेकर आज तक का इतिहास उठा के देख लो। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर एल्डरमैन 10 थे वो शपथ ले लेते तो उसको वोटिंग राइट तो मिलता नहीं, तो उससे क्या वोटिंग राइट भी दे रहे थे उनको? यही तो बदमाशी हो रही। कहाँ से नियम आया सर? नियम की तो धज्जियां उड़ रही है ना जी सर। ये ऐसा आज नहीं, आपने मनोनीत पार्षदों को राइट, केवल आम आदमी पार्टी सांसद नहीं है, समाज के भी जिम्मेवार आदमी है, लेकिन क्या करें, केजरीवाल का रंग चढ़ गया इनको भी कि ना खाता ना भाई, जो मैं कहूँ वो सही। लेकिन ये तो ये कह रहा हूँ आपको, सुनिए कहाँ से पता? मैं कह रहा हूँ हमारे पार्षदों को सदन के अंदर पीटा जाए, लेकिन ये मनोनीत पार्षद वोट कर सके, ये नियम कूटा काट दिया जाए, ऐसी स्थिति सर? आपके पार्षद मनोनीत पार्षद वोट डाले, ज्यादा गुंडागर्दी कभी देखी नहीं, लेकिन मनोनीत पार्षद वोट डाल सकेंगे, ये कहाँ पर नियम आया था? अरे साहब ये नियम भी कहाँ था कि सबसे पहले आके उनको सिर पे बैठाओगे, जो दिल्ली की जनता ने चुन के बैठे हैं उनकी शपथ कराइए, अगर हाउस को चलाना है तो परंपराओं का निभाई, या कानून चलता है या परंपरा चलती है, चाहे संसद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, और चाहे निगम का सदन हो। रमेश जी अभी मेरे मित्र ये तय करें कि राज्यसभा में अपर हाउस जनता ने चुनकर मुझे भेजा है, 4.5, इनको नहीं भेजा, लेकिन अपर हाउस के मेंबर ये हैं, तो जो लोकसभा से पहले सारी प्रायोरिटी सब कुछ इनको दिया जाता है, बोलो मैं आज त्याग कर दूंगा, बोले चैनल पे, आज के बाद मैं अपर हाउस नहीं कहा जाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ, चुने हुए विधायक अपर हाउस को चुनते हैं, क्यों चुने हुए विधायक अपर हाउस के इसलिए चुनते हैं? क्या हो गया, राज्यसभा सब हो गई, लेकिन आज एक नगर निगम के अंदर महापौर का चुनाव होना था, शपथ निंदा, ये निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं, इनको शांति से हाउस चलाना चाहिए। ये निंदा कर रहे, फिर कह रहे आप मेरे भाई हो, सरकार जनता ने मैंडेट तुम्हें दिया, शांति से हाउस आपको चलाना है, हाउस चलाना मैंडेट, जनता ने मैंडेट हमें दिया, प्रोटम स्पीकर ये बनाएंगे, जनता ने मैंडेट हमें दिया और नॉमिनेट ये करेंगे, रूल है सर, देश का कानून है, देश के कानून के दायरे में रख के दिया गया है, इज्जत के साथ हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, गुंडागर्दी से बात नहीं चले। देखो ये ड्यूटी रूलिंग पार्टी की है, रूलिंग पार्टी की ड्यूटी बनती है सारी। आप लोगों को लगता नहीं कि नहीं होना चाहिए था? अब ये देखो, ये दुनिया कुछ कर ही नहीं सकती, ये कर दिया अनार्की लोग। यहाँ पर जो है सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि तो देख लिया आपने तस्वीरें किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कैमरों के आगे जिरह करते हुए, बहस करते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली वालों ने जिन उम्मीदों के साथ में चुनाव में 4 दिसंबर को मतदान किया था, 7 दिसंबर को नतीजे आए थे, और उसके बाद ये निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात जरूर है, क्योंकि अगर इसी राजनीति के अंदर दिल्ली की व्यवस्था उलझी रहेगी, फंसी रहेगी, तो वो जो तमाम वादे थे दिल्ली में साफ सफाई लाने के, बेहतरी लाने के, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के, वो तो फिलहाल राजनीति के अखाड़े में ही धूल चाटते हुए नजर आ रहे हैं।
और ये तस्वीरें उस वक्त की जब जो दिल्ली के विधायक जो पार्षद चुने गए थे वो सिविक सेंटर में किस तरीके से गुत्थम गुत्था करते हुए नजर आ रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। ढाई घंटे तक का ये पूरा हंगामा था जिसके बाद सदन की कार्यवाही, मेयर का चुनाव रोक कर ये कार्यवाही स्थगित करने की नौबत आई। कई कुछ लोगों को चोट लगी है ये भी आरोप लगाए गए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।